वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट नए नए प्रोडक्ट्स शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है जो वेगन है या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते या फिर जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये काफी कमाल का प्रोडक्ट है। इनसे आप नट्स का मिल्क निकाल सकते हैं, आप इसमें जूस बना सकते हैं, इसके अलावा आप पानी बॉयल कर सकते हो, इसमें सीरियल बना सकते हो। तो आज मैं बात कर रही हूँ अगारो रीजेंसी नट मिल्क मेकर के बारे में, जो कि देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही प्यारी फिनिश में आता है, ब्लैक फिनिश में मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी, ग्लॉसी फिनिश है एकदम। और मैं आपको अब इसके बारे में और डिटेल में बताती हूँ। इसमें आपको दो बटन मिलते हैं, एक है फंक्शन और दूसरा है प्रीसेट टाइमर। फंक्शन बटन से आप अलग अलग मोड सेलेक्ट कर सकते हो और टाइमर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज लगी मेरे को, क्योंकि इससे आप 12 आवर्स तक का टाइमर लगा सकते हो, यानी कि प्री सेट करके आप रख सकते हो और ये उतने ही घंटे बाद स्टार्ट होगा जितना घंटे का आपने टाइमर लगाया है। इसमें आपको 6 ऑप्शन मिल जाते हैं, सोया मिल्क, जूस, वाटर, नट मिल्क, सीरियल्स और क्लीन। और इसकी आपको स्टेनलेस स्टील की बॉडी मिलती है जो कि आप देख सकते हो, और इसी के साथ 600 वाट की इसकी काफी पावरफुल मोटर भी है। इसके साथ आपको एक क्लीनिंग ब्रश मिलता है और एक मेजरिंग स्पून भी मिल रही है। इसके जार की कैपेसिटी 600 ml है जो कि 2 ग्लास नट मिल्क बनाने के लिए काफी है। और आप देख सकते हैं जो इसमें ब्लेड है ना वो स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं जो कि काफी शार्प है और जिससे आपको अच्छी क्वालिटी का स्मूथ वीगन मिल्क मिलता है। और इसकी लिड पर आप नोटिस करोगे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर एक स्टीम वेंट भी दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ नट मिल्क और उसके लिए मैंने लिए हैं बादाम। यहाँ पर मैंने ड्राई बादाम लिए हैं, आप चाहें तो इन्हें सोक करके भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से ये 2 स्पून डाल रही हूँ जो इसके साथ ही मिली है हमें, 1 ये है 2। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, आपको जिस भी क्वांटिटी में चाहिए, जैसे आपको 2 ग्लास बनाना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। कैप को इस तरीके से फिक्स कर देना है और यहाँ पर जहाँ पर हैंडल है यहाँ पर एरो बना हुआ है वहीं पर रहना चाहिए ये साइड, और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ये ऑन नहीं होगा। फंक्शन बटन ऑन करके हम सेलेक्ट कर लेंगे और 15 मिनट में हमारा नट मिल्क बनके तैयार हो जाएगा। और कभी आपको बीच में कैंसिल करना हो तो ना फंक्शन बटन को ही दोबारा प्रेस करने से ये कैंसिल हो जाएगा। तो छानने के लिए मैं छन्नी का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो नॉर्मल चाय छानने वाली छन्नी होती है ना आप उसे छान सकते हो। तो इस तरीके से मैंने छान लिया है और जो गूदा है वो हम साइड कर देंगे। और आपको ना यहाँ पर गर्म मिल्क मिलता है जिसे आप ठंडा भी करके पी सकते हो या फिर आप डिफरेंट टाइप की ड्रिंक्स में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इस जार को क्लीन करना बहुत ही आसान है। इसे क्लीन करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे डायरेक्ट टैप वाटर के नीचे नहीं चलाइएगा, इसकी आउटर बॉडी पर पानी नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज इसके जो टच पैनल है वो खराब हो सकते हैं। इसे क्लीन करने के लिए यहाँ पर एक क्लीन मोड दिया हुआ है, आपको बस क्या करना है लिक्विड डिटर्जेंट डालना है, एक बूंद ही काफी है, और थोड़ा सा पानी डाल के उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके चला देना है। मैं यहाँ पर क्लीन मोड को सिलेक्ट कर रही हूँ। एक मिनट में ये जार अच्छे से क्लीन हो चुका है तो खोलकर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए जार अच्छे से क्लीन हो चुका है, पानी को फेंक देंगे और जो इसकी आउटर बॉडी है उसे इस टाइप के किसी भी क्लोथ से आप क्लीन कर सकते हो जो कि ड्राई रहना चाहिए या फिर डैम्प हो तो भी चल जाएगा। अब हम निकालेंगे इसमें ऑरेंजेस का जूस। तो यहाँ पर मेरे पास है ऑरेंजेस और समर में तो जूस बहुत पिया जाता है, तो मैं तो बनाती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर सारे ऑरेंजेस मैंने छील के रख लिए हैं, साथ में मैंने डीसीड भी कर लिए हैं, सबके सीड बाहर आ चुके हैं, ये रहे यहाँ पे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो जो कि बहुत ही आसान है। और मैं अब ट्रांसफर करूंगी ऑरेंजेस को इसमें जार में और साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। वैसे ऑरेंजेस में काफी सारा जूस अपने आप ही होता है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रहे हैं। मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है और अब हम बटन को ऑन करेंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट में हमारा जूस बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है जो कि 3 मिनट में बना है केवल। तो चलिए इसे लौट लेते हैं किसी ग्लास में। तो मैंने इसे छान लिया है और अब ये ग्लास में मैं ट्रांसफर कर रही हूँ।
तो आप देख सकते हो कितना थिक कंसिस्टेंसी का बना है जूस यहाँ पर। तो दोस्तों यही था मेरा इस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रिव्यू हेल्पफुल लगेगा, और अगर हेल्पफुल लगते हैं मेरे प्रोडक्ट रिव्यू तो आप जरूर उन्हें लाइक करा करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। इससे क्या होगा, अगर आपको जरूरत नहीं है और उन्हें जरूरत है तो वो उनके काम आ सकता है। तो इस प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।